दोस्तों, हम बीएड सेकंड सेमेस्टर की ऑडियो सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज एक जो सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के बारे में, सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहता है आपको हिस्ट्री, इतिहास। और इतिहास में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इतिहास कला है अथवा विज्ञान, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको फुल डिटेल में 18 से 20 मिनट के ऑडियो लेक्चर में आपको बताया है फुल डिटेल में, लेकिन 5 नंबर का यदि क्वेश्चन आएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म में आएगा, मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको ये करना है कि क्वेश्चन है कि इतिहास कला है अथवा विज्ञान। तो इस बारे में बात करें दोस्तों कि इतिहास जो है वो विज्ञान और कला है ना, इतिहास है जो कला और विज्ञान, साइंस आर्ट दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों का समन्वय होता है। जब वह सत्य का अन्वेषण करता है तो विज्ञान है। जब हम देखते हैं कि किसी भी चीज का हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और जब उन सत्यों का प्रतिपादन एवं वर्णन किया जाता है, जब वो सत्य निकल कर आते हैं और उसको हम क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, उसका डिस्क्राइब करते हैं फुल डिटेल में, तो वो कला कहलाती है। इतिहास कारक केवल तथ्यों का संकलन और विश्लेषण करने के पश्चात उन्हें सुंदर और आकर्षक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इतिहास कारक जो है हिस्ट्रियर, वो क्या करता है, तथ्यों का जो डेटा है उसको स्टोरेज करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, फिर उसको सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से, आकर्षक ढंग से, जो इंटरेस्टेड हो आकर्षक ढंग से उसको अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार दोस्तों क्या होता है कि इतिहासकार एक वैज्ञानिक भी है और कलाकार भी है। इतिहास के निर्माण में वास्तविक तथ्यों की खोजबीन करने में और ऐतिहासिक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण कला पूर्ण ढंग से करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक इतिहासकारक होता है वो क्या करता है कि छोटे छोटे जो वास्तविक तथ्य हैं उनकी खोजबीन करता है और उसको फिर क्या करता है, सुंदर, मतलब जो तथ्यों का क्या करेगा, खोजबीन करेगा, उनका संकलन करेगा, एनालिसिस करेगा और उसको आकर्षक ढंग से क्या करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है, सुंदर बनाता है और इसके बाद में प्रस्तुतिकरण करता है, जिससे इतिहास एक विषय के रूप में प्रभावशाली हो सके। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है। दोस्तों आपको बस यही लिखना है। मिलते हैं नए ऑडियो लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।